हिमाचल के इस बजट 2020-21 को लेकर हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने बातचीत की है प्रदेश के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जयराम ठाकुर से, आप भी सुनिए। आपने आज अपना बजट जो है वो तीसरा बजट पेश किया है, क्या कुछ खास है जानने के लिए बात करते हैं। जनता टीवी के साथ है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। सर, बजट में क्या खास आम जनता को खास को क्या मिला है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो एक तो आपकी बार हिमाचल प्रदेश का ये बजट जो है सभी वर्गों को छूने वाला बजट, सबको लाभ देने वाला बजट बनाए हैं। हाउसिंग स्कीम्स के अंतर्गत जो है हमने आपकी बार टारगेट जो है गरीब लोगों के लिए मकान देने का डबल किया है। पहले 5,000 तक देते थे, अब की बार 10,000 किया है। क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस किया है, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल मिले उसके लिए फोकस किया है, और उसके साथ क्वालिटी हेल्थ के सेक्टर में हमने ये किया है। हर सेक्टर को हमने फोकस किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो समाज का ऐसा वर्ग जो बहुत सामाजिक दृष्टि से जिनको मदद की जरूरत है, जो पेंशन पर आधारित है, उन लोगों को हमने 50,000 की लगभग पेंशन जो पेंडेंसी हमारी है उसको इस बार हमने कहा कि इस बार एक साथ। ग्रामीण परिवेश में ज़्यादातर इलाका आता है, हिमाचल का पहाड़ी इलाका है, तो ऐसे में क्या कुछ खास है किसान बागवान के लिए? लोग ये भी जानना, किसानों के लिए बागवानों के लिए विभिन्न योजनाओं की हमने शुरुआत अब की बार की है, जिसका जिक्र आप बजट में देखेंगे, तब उसकी डिटेल्स में वक्त लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर के दोनों सेक्टर से हमको बार बार मांग आ रही थी कि एंटी हेल नेट पे, उस पर 50% अनुदान के साथ जो है हमने स्कीम को जो है आगे किया है, और फर्दर उसमें जो है नेट पर ही नहीं, उसमें जो स्ट्रक्चर बनेंगे उसके बांस के और लोहे के जो बनेंगे उसके लिए भी उस पर। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी को लेकर क्या विजन है सरकार का, क्या बजट? देखिए, हमने पिछले 2 साल के कार्यकाल में आज तक के हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड रोजगार दिया है सरकारी क्षेत्र में। मोर देन 17,000 से ज़्यादा नौजवानों को रोजगार सरकारी क्षेत्र में 2 सालों के कार्यकाल में दिया है। तो ऐसे में आने वाले समय में भी सरकारी क्षेत्र में रोजगार तो हम दे ही रहे हैं, बड़ी तादाद में दे रहे हैं, पीछे की तुलना में ज़्यादा बढ़ करके दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ में प्राइवेट सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, उस सेक्टर से बेरोजगारों को रोजगार मिले, और स्वावलंबन योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना, जिस योजना के माध्यम से नौजवान अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये एक नई पहल कर रही है ई विधान के साथ साथ, अब ई कैबिनेट जो है उसको भी आपने आज घोषणा की है, क्या कुछ खास होगा, कैसे होगा? ये नया प्रयास है, मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी के इस युग में हमको इसको शुरू करना चाहिए, अब कर रहे हैं। पहला राज्य होगा, मैं पहले राज्य की बात तो नहीं कह सकता, लेकिन कोशिश करेंगे इसमें। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, इनका कहना है कि हर आम और खास के लिए जो है ये बजट बेहद संतुलित है, और ऐसे में अब ये देखना होगा कि किस तरह से बजट जो है, जिस तरह से बजट में चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं, अब आने वाले दिनों में किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि पहले का बजट, पिछले साल भी जो बजट जो है 19-20 का पेश किया गया था उसमें भी ये कहा गया था, लेकिन घोषणाएँ जो हैं वो की गई, लेकिन उनको अमली जामा पहनाने में सरकार जो है वो काफ़ी देरी से आगे आई। ऐसे में अब देखना यही होगा कि क्या 20-21 का बजट जो है उसमें भी जो घोषणाएँ की गई हैं उसको जल्द से जल्द कैसे जयराम सरकार जो है वो यहां पर अब निपटाएगी। कैमरा पर्सन दीपक चौहान के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।